हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम होंडा एक्टिवा के अंदर ये एलईडी लाइट्स, स्ट्रिप एलईडी लाइट्स बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, वो हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, पूरी अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए बताते हैं इसके बारे के अंदर। इसके अंदर दोस्तों एलईडी लाइट होती है, मतलब कि 12 वोल्ट से वो जल जाती है, और 12 वोल्ट से आप चलाओगे तो ही जलेगी, अगर उससे कम होगा तो जलेगी लेकिन कम जलेगी, और उससे ज़्यादा होगा तो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि हमारी होंडा एक्टिवा में क्या होता है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है तो उसके साथ में सूटेबल रहती है। अगर आपने अभी तक एक्टिवा के सिस्टम से एसी से डीसी नहीं करा तो दोस्तों उसको भी कर लीजिए, मैंने उसकी वीडियो भी पहले से डाल रखी है। ठीक है, बाकी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैसे कि आप ये एलईडी देख रहे हो दोस्तों, ये एलईडी कम से कम 4-5 रंगों के अंदर होती है, रेड, ब्लू और वाइट, मल्टी और ग्रीन के अंदर भी होती है ये। ठीक है दोस्तों, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है, आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, और ऑनलाइन का अगर मेरे को लिंक मिलेगा तो मैं आपके लिए ज़रूर दूंगा, और बाकी आप मार्केट से भी ले सकते हैं। ये एलईडी ज़्यादा महंगी नहीं दोस्तों, 150-200 रुपये की एलईडी आती है, आप आसानी से मार्केट में खरीद लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को आपके सामने। तो दोस्तों हमें कुछ ये सब चीज़ें चाहिए, एक सोल्डिंग आयरन पेस्ट, एक सॉकेट 12 mm का सॉकेट, स्क्रू ड्राइवर और एक सोल्डिंग वायर और एक एलईडी और कुछ हमें चाहिए वायर्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों हमने जो एलईडी स्ट्रिप है इसको हमने 81 सेंटीमीटर काटना है, ऊपर नीचे वो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 81 ये यहाँ पर, ठीक है, तो ये दोस्तों 80 सेंटीमीटर पे आ रहा है, तो हमने 80 सेंटीमीटर से इसको हमने काट देना है। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ से, ये जो आप ब्लैक वाली लाइन आ रहा है ना दोस्तों, ये इधर देखिए ब्लैक वाली लाइन है, हमने इधर इससे काट देना है, ये कट गई। ठीक है, काटने के बाद में अब इस रोल को रख दो साइड में। अब हमने क्या करना है, अब जैसे कि ये कोना हो गया फ्रेंड्स, ये नीचे कोने दोनों चले जाएंगे, हमने इसको नहीं लेगी क्योंकि फिर हमारी वायर जो है ज़्यादा लगेगी। फिर हमें यहाँ से हमने इसको, ठीक है, हटा देनी है इसके ऊपर की जो पीवीसी होती है, और पीवीसी हटाने के लिए दोस्तों सोल्डिंग आयरन सबसे अच्छा बेस्ट सोर्स है इसको हटाने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, देखिए सोल्डिंग आयरन लेना है हमने, इसको इसके ऊपर रख देना, ये पिघल जाएगा खुद पे खुद, ये इसके ऊपर पिघल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसके ऊपर की जो पीवीसी है वो हट चुकी है पूरी तरीके से। ठीक है, हटाने के बाद में फिर इसके ऊपर हमने ब्लेड से करना है। ठीक है, अब करने के बाद में फ्रेंड्स हमने दो तार के टुकड़े लेने हैं, छोटे छोटे तार के टुकड़े ले लो आप अपने जो उसमें से, और उसके जो है आगे से थोड़ा थोड़ा काट लो ताकि सोल्डिंग करने में आसानी रहे, थोड़ा थोड़ा काट लो। देखिए काटने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। तो अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा गोल कर देना है, तारों को सारे को आपस में लपेट देना है। लपेटने के बाद में जो हमारा पेस्ट है उसके अंदर हमें इस वायर्स को डुबो के गीला कर लेना है, इस वायर को भी और इस वायर को भी। ठीक है,
इस दोनों वायर्स को लेने के बाद में ये हमारी सोल्डिंग आयरन की वायर है, इसको हमने लेना है। ठीक है, इसको लेने के बाद में हमने इससे सोल्ड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर ये सोल्ड हो चुकी है वायर। इसी तरीके से दूसरी वाली को हमने करना है। ये देखिए ये भी हो गई। अब इसको हमने लगाना है और एक नेगेटिव होता है इसके अंदर, एक पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ से तो खैर दिख नहीं रहा, अब मैं इस पर दिखाता हूँ। ये 12 वोल्ट है फ्रेंड्स, ये देखिए आप, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। तो हमने ब्लैक वायर है उसको हमने नेगेटिव पे लगाना है और रेड वाली पे पॉजिटिव पे लगाना है। थोड़ा इस पर भी आप पेस्ट लगा लीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों, जो उसके ऊपर का मॉइस्चर होता है वो हट जाता है और इस पर चिपकने में आसानी होती है। ये देखिए एक चिपक गया और दूसरे वाले को भी लगा देना हमने इसी तरीके से। फ्रेंड्स दोनों को करने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको हॉट ग्लू गन ले लेनी है। हमने हॉट ग्लू गन से इसके ऊपर से हमने लगा देना है ताकि इसके अंदर मॉइस्चर ना आए। ठीक है, आपस में तार टच हो जाएगी तो शॉर्ट सर्किट का होने का भी खतरा रहेगा। अगर आप ग्लू गन नहीं है तो आप इसके ऊपर टेप भी लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हो गई पूरी तरीके से सेट। ठीक है, अब इसको हम आगे लगाएंगे और पीछे वाले का भी साइज हमने देख रखा है। और फ्रेंड जो आप वुड में लगाओगे उसके करीबन 39 इंची है। ठीक है, उसको हमने काटना है। ठीक है, 39 इंची आ जाएगा, देखिए ये 39 से 40 इंची में। ठीक है, इसके बीच में आएगा, कोई बात नहीं, आप काट लेना इतना। ठीक है, उसको भी हमने इसी तरीके से करना है जैसे हमने आगे वाली लगाई थी। ठीक है, ये दोस्तों पीछे वाली दोनों हो चुकी हैं। अब इस पर हमने क्या करना है, ग्लू गन लगा देना है, ग्लू लगाना है। दोनों पे ग्लू लगा के हमने टेस्ट करनी है। ठीक है, पहले हम टेस्ट करते के देखते हैं इसको, ये काम कर रही है नहीं कर रही है। थोड़ा इसको आगे से छील लो। ये हमारे पास में बैटरी है,
बैटरी से टेस्ट करके देखते हैं। ये भी काम कर रही है, इसको ये भी जल रही है। ये हमारी पहले वाली है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। देख लो, सो गाइस देखिए तो दोस्तों, अब हम इसके ऊपर लगाते हैं हॉट ग्लू गन से, ग्लू लगा देते हैं दोनों, उसमें हमने ग्लू लगाना है। तो ग्लू गन हमारी ये रही, अब दोस्तों हमने इसके ऊपर जो होती टेप लगानी है, ठीक है, ताकि मजबूती इसकी ठीक रहे। देखिए सबों पे टेप लगा देनी है, इससे क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर जो वाटर प्रूफ भी हो जाएगी। और देख लीजिए आप, इसी तरीके से आपने फ्रेंड्स इन सभी को कर देना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो सबों को मैंने टेप लगा दिया है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक टेप होती है, ये मैंने लगा दी है इसके अंदर। चलिए अभी लगाते हैं इसको अपनी गाड़ी के अंदर। फ्रेंड्स हमने जो ना ये एलईडी को अपने इसके यहाँ पे लगाना है, ठीक है, पूरा साइड में राउंड बनानी है, और उसके लिए हमें इसका जो नोज़ कवर है, नोज़ कवर को हमने खोलना पड़ेगा। देखो दो स्क्रू यहाँ पर होते हैं, एक यहाँ पर होता है, एक जस्ट इसके साइड में होता है, और दो ऊपर की तरफ होते हैं, उन दोनों को हमने करके इसको खोल लेना है। चलिए इसको खोलते हैं। फ्रेंड्स ये एलईडी है, देख पा रहे हो आप इसके पीछे जो एमएम लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में क्या है, इसकी चिपकाने वाली चीज़ है, ठीक है, जैसे टेप होता है ना, टेप है इसके पीछे लगा हुआ। जैसे आप इसको छुटा दोगे ये दोस्तों छुटती चली जाएगी, और इसके पीछे क्या है, ये चिपकने वाली होती है, मतलब ये डबल टेप होती है दो साइड से, और कंपनी इसको इस पर चिपका देती है। जैसे सेलो टेप होता है वैसे ही समझ लो ये होता है। अब बस हमने क्या करना है, अपने पूरी नहीं छुटानी दोस्तों, पूरे छुटाओगे तो आपके हाथ पे चिपक के सर गम आपके हाथ पे लग जाएगा, और जैसे जैसे हम चिपकाते रहेंगे वैसे वैसे इसकी टेप जो हटाते रहेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब उसी तरीके से दोस्तों हमने पीछे की चुका है,
फ्रेंड्स देखिए आप, ये चिपक चुकी है। ये जो थोड़ा उठा उठा सा आ रहा है, ये मतलब राउंड में है ना शेप, इसलिए ये उठा उठा सा आ रहा है। अगर ये स्ट्रेट ही होती ना सीधी सी तो आराम से चिपक जाती है। हाँ देख लीजिए इधर से भी हर जगह से चिपक गई। आप ऐसे हाथ लगाओगे चिपक जाएगी वो। ठीक है तो कनेक्शन करते हैं हम इसके आगे से। फ्रेंड्स जो हमने छोटी वायर कल काटी थी उसके अंदर हमने एक्स्ट्रा वायर ले लेनी है। ठीक है ये देखिए इसमें भी मैंने जोड़ दी और इसमें भी जोड़ देनी है। और ये बता दूँ मैं आपको, ये ब्लैक वाली आप नेगेटिव पे लगा देना इस वाली के ऊपर, और ये आप लगा सकते हो जैसे कि पार्किंग लाइट हो गई उस पर लगा देना आप, और चाहे तो एक स्विच ले लेना वहाँ पर स्विच में लगा देना है। अभी मैं क्या करूँगा इसको स्विच के अंदर लगा दूँगा साइड वाले में। ठीक है जब ऑन करूँगा सिर्फ तभी ऑन होगी वरना ऑफ रहेगी। फ्रेंड्स ये जो वायर है ना ये पीछे जानी है हमारी, जो बूट में हम लाइट लगाएंगे उसमें। ठीक है इसका जो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में देख लेना आप मेरी, जो जिसमें मैंने चार्जर फिट करा था ये वही वाली वायर है दोस्तों। तो आज मैं इसको इसमें लगाने वाला हूँ। ठीक है सो फ्रेंड्स आगे का काम ख़त्म हो गया। आगे फ्रेंड्स अब हमने इसके बूट में लगानी लाइटें। ठीक है लाइटें लगाने के लिए हमने खोलना पड़ेगा इसका बूट। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से स्क्रू होते हैं। फ्रेंड्स दो बोल्ट तो ये हो गए, एक और एक दो, और तीसरा बोल्ट इसका यहाँ पर है। हमने तीनों बोल्टों को खोल लेना है। ठीक है दोस्तों ये देखिए इसका बूट खुल चुका है, और देखिए ये वायर्स जो मैंने अभी आगे लगाई थी ये हमारी पॉजिटिव है। ठीक है और पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही लगाने हमने। भाइयों मैं आपको जो ना डायग्राम के साथ में समझा देता हूँ कौन सी वायर कैसे लगेगी, आप वीडियो में तो समझ नहीं पाओगे। खैर देखो ये लेफ्ट वाली और एक राइट वाली, दोनों के जो पॉजिटिव है उनको आपस में जोड़ लेना है हमने। ठीक है जैसे कि आप इधर देख पा रहे हो मैंने दोनों को जोड़ लिया पॉजिटिव पॉजिटिव को रेड वायर जो होती है, और दोनों की जो ग्रीन वायर है दोस्तों उनको भी हमने इसी तरीके से जोड़ लेना है दोनों की के ग्राउंड वायर को। ठीक है नेगेटिव को, और उस नेगेटिव को हमने लगाना है फुट रेस्ट के पास में होता है एक स्क्रू। ठीक है गाइस स्क्रू से हमने लगा देना है, और जो मेन वाली वायर है दोस्तों वो हमारी जानी है जो हमने आगे से जो स्विच लगा रखा है उसके। ठीक है साइड वाले स्विच में लगा देना आप। ठीक है पॉइंट में तो इतना तो समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है तो बोलता हूं दोबारा दोस्तों उसको पीछे से साफ कर लीजिए आप। फ्रेंड्स इस साइड के लगने के बाद में अब हमने दूसरी साइड की लगा देनी है।
फ्रेंड्स इस तार का भी हमने कुछ करना होगा। इसको पता है क्या, अगर इसके ऊपर रहेगी इंजन के ऊपर हीट होगा तार पिघल जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये वायरिंग टेप है, अब हमने इसको जगह जगह से हमने चिपका देना है, ठीक है। इस कुछ इस तरीके से कर लेना है, फ्रेंड्स इस वायर को हमने जो ना देख ही लीजिए दोनों आपस में टच हो जाएंगी, ठीक है। उस साइड की भी लेफ्ट वाली एलईडी की और राइट वाली दोनों हो जाएंगी, ठीक है, लेफ्ट और राइट। और इसको हमने टेप करना है, अब हो गई ये टेप पूरी। अब फ्रेंड्स हमने इसको देना है अर्थ देना है हमने। अब इस वायर को हमने क्या करनी पड़ेगी, इसको हमने थोड़ा यहाँ से काट के ये ऐसे लंबा सा खींच लेना, ओके गाइस। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि स्क्रू होगा, इस स्क्रू को खोलना है। ज़रा सा ही खोल लेना और उसको इसके अंदर जस्ट ऐसे लगा देना है, फिर इसको टाइट कर दो। टाइट करने के बाद में इसको ऐसे ही लगा दो। एक बार ही आप इसका वुड बंद करने से पहले आप इसको टेस्ट करके देख लीजिए चल रहा है या नहीं। चलिए मैं भी टेस्ट करता हूँ। ये देखिए दोस्तों चल रहा है, हाँ जी दोनों तरफ की चल रही है लगभग, तो ठीक है। अब इसको वायरिंग्स को हमने दोनों को अच्छे से लपेट देना है, लपेटने के बाद में इसको उसके ऊपर लगाना है। तो भाइयों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज थम्स अप जरूर देना, ताकि मुझे पता चलता रहे कितने लोगों को पसंद आ रही है कितने को पसंद नहीं आई। दोस्तों किसी भी चीज़ की कंफ्यूजन मत रखना, आप लोगों को पता है मैं हर मैसेज का जवाब देता हूँ, चाहे कमेंट्स में दो आप मेरे को फेसबुक पर कहीं पर भी, लेकिन मैसेज कर देना अगर समझ में ना आए तो। मतलब कन्फ्यूजन मत रखना कि यार समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सब चीज़ का सोल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये घर के अंदर भी लगानी है ना, तो आप घर के अंदर भी लगा सकते हो। जैसे कि ये कंप्यूटर टेबल होती है, अभी मैं इसके नीचे भी लगाऊंगा, ठीक है, पूरे नीचे लगाऊंगा और बेड वेड के ऊपर भी लगाऊंगा, क्योंकि अभी भी मेरी ये काफ़ी बच रही है। करीबन मेरी एक्टिवा के अंदर दोस्तों ये लगी होगी, करीबन 1.5 मीटर के आसपास ये मेरी एक्टिवा के अंदर लगी होगी, 1.5-2 मीटर ऐसी लगी होगी, ज़्यादा नहीं लगी। इसके अंदर भी अभी काफ़ी एलईडी बची हुई है, और जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे आप लगा लेना। और बाकी तो आप लोगों को पता ही चल गया कि कहाँ का लगाने कहाँ का बेस्ट रहेगी, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।